स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने वाले एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप लास्ट तक बने रहना, पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है बकरी का जूलॉजिकल नेम है। देखिए, बकरी का जूलॉजिकल नेम बताना है तो देखिए ऑप्शन देखिए, ओविसेरिस, गेलस डोमेस्टिक्स, केप्रा हिरकस, बुबेलस बुबेलिस। तो देखिए, बकरी का जूलॉजिकल नेम बताना है तो देखिए, बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? बकरी का जूलॉजिकल नेम होता है केप्रा हिरकस। क्या होता है बकरी का जूलॉजिकल नेम? केप्रा हिरकस। इसके अलावा देखिए ओविसेरिस, ओविसेरिस किसका नाम होता है? ओविसेरिस है भेड़ का जूलॉजिकल नाम होता है। किसका होता है दोस्तों? भेड़ का। आपको ध्यान रखना है, यदि भेड़ का जूलॉजिकल नेम पूछ ले तो ओविसेरिस, बकरी का पूछ ले तो केप्रा हिरकस। इसके अलावा गेलस डोमेस्टिक्स है, किसका होता है? मुर्गी। गेलस डोमेस्टिक्स किसका जूलॉजिकल नेम होता है? मुर्गी का। इसके अलावा बुबेलस बुबेलिस किसका होता है दोस्तों? यह होता है भैंस का। किसका? भैंस का। तो आपको पूरे समझ में आ गए होंगे चारों नाम। यदि आपको याद नहीं है तो आप इनको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले और इनको बार बार रिपीट करें तो आपको ये याद हो जाएंगे। ओविसेरिस होता है भेड़ का, गेलस डोमेस्टिक्स होता है मुर्गी का, केप्रा हिरकस होता है बकरी का, और बुबेलस बुबेलिस होता है भैंस का। आगे वाला क्वेश्चन अपना, भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? देखिए, भारत में प्रथम पशु गणना बतानी है तो देखिए 1910, 1919, इसके अलावा 1947, 1951। तो भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी दोस्तों? जो पशुओं की गणना होती है भारत में, प्रथम पशु गणना कब हुई थी? प्रथम पशु गणना हुई थी 1919 में। कब हुई थी प्रथम पशु गणना 1919 में हुई थी। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आजाद भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी तो देखिए, आजाद भारत में प्रथम पशु गणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951। यदि नॉर्मल पूछे कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी 1919 में, और यदि आजाद भारत की पूछे, आजाद भारत की प्रथम पशु गणना, तो 1951 आएगा। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से जीवाणुरोधी औषधि है? देखिए, जीवाणुरोधी औषधि बताना है। देखिए, एक तो होता है जीवाणुनाशक और एक होती है जीवाणुरोधी। तो जीवाणुरोधी क्या होती है? यानी ऐसी औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, यानी उनको पूर्णतः नष्ट नहीं करती, कंप्लीटली मारती नहीं है, लेकिन क्या है, उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो वो कौन सी औषधि है? जीवाणुरोधी औषधि होती है। इसके अलावा जीवाणुनाशक औषधियां होती है एक, तो जीवाणुनाशक औषधियां कौन सी होती है? ऐसी औषधियां जो जीवाणुओं को पूर्णतः नष्ट कर देती है, यानी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है, उनको मार देती है, वो होती है जीवाणुनाशक। तो जीवाणुरोधी और जीवाणुनाशक आपको समझ में आ गया होगा। तो जीवाणुरोधी औषधि बतानी है, कौन सी औषधि? जीवाणु रोधी, यानी जो जीवाणुओं को मारती नहीं है, केवल उनकी वृद्धि को रोकती है। तो कौन सी औषधि ऐसी? देखिए ऑप्शन देखिए, फिनाइल, लाइसोल, डेटोल, चूने का घोल। तो दोस्तों कौन सी औषधि है? दोस्तों डेटोल है। डेटोल कौन सी औषधि है? जीवाणुरोधी औषधि है। कौन सी औषधि है? डेटोल, जीवाणुरोधी। इसके अलावा फिनाइल हो गया, लाइसोल हो गया, चूने का घोल, ये कौन सी औषधि है? जीवाणुनाशक। कौन सी है? जीवाणुनाशक। कौन कौन सी? फिनाइल, लाइसोल और चूने का घोल, ये तीनों है जीवाणुनाशक औषधि है, यानी जीवाणुओं को पूर्णतः नष्ट कर देती है, मार देती है। जबकि डेटोल है, ये केवल क्या करती है? जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, गाय के शरीर का तापमान होता है? देखिए, गाय का शरीर का टेम्परेचर बताना है आपको। तो देखिए, 100 डिग्री फारेनहाइट, 101.5 डिग्री फारेनहाइट, 102 डिग्री फारेनहाइट, 102.5 डिग्री फारेनहाइट। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट। इसके अलावा आपको भैंस का पूछ ले तो भैंस का शरीर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है भैंस के शरीर का तापमान? 100 डिग्री फारेनहाइट। देखिए, भैंस का कितना होता है? 100 डिग्री, गाय का 101.5 डिग्री। इसके अलावा भेड़ का शरीर का टेम्परेचर पूछ ले तो भेड़ के शरीर का टेम्परेचर होता है दोस्तों 102 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है भेड़ के शरीर का तापमान? 102 डिग्री फारेनहाइट। और यदि बकरी का पूछ ले तो बकरी का टेम्परेचर होता है 102.5 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है? 102.5 डिग्री। यानी गाय और जो बकरी होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि जो भैंस हो गई और भेड़ है, इनका टेम्परेचर कम होता है। तो देखिए, आपको इनको अच्छे से याद रख लेना है। आगे वाला क्वेश्चन है, भेड़ में मैथुन क्रिया होती है? देखिए, भेड़ में मैथुन की क्रिया कौन सी होती है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, टपिंग हो गया, सर्विंग हो गया, किडिंग, या फिर दोनों। तो देखिए, भेड़ में मैथुन की क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि भेड़ में मैथुन की क्रिया होती है टपिंग। कौन सी होती है? टपिंग। इसके अलावा गाय हो गई, बकरी हो गई और मुर्गी हो गई, इन सब में मैथुन की क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? इनमें होती है सर्विंग। बाकी सब जो बच गए उनमें मैथुन की क्रिया होती है सर्विंग। जबकि जो भेड़ होती है, भेड़ में आपको स्पेशली याद रखना है कि भेड़ में मैथुन की क्रिया टपिंग होती है, जबकि गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनमें कौन सी होती है मैथुन की क्रिया? मैथुन क्रिया होती है सर्विंग, और जबकि भेड़ में टपिंग। कौन सी होती है भेड़ में? टपिंग। आगे वाला क्वेश्चन अपना, भेड़ के मांस को कहते हैं? देखिए, भेड़ होता है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं वो बताना आपको। चिकन हो गया, चेवन, मटन, बीफ। तो भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं दोस्तों? भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। क्या बोलते हैं? भेड़ के मांस को बोलते
बोलते हैं मटन, जबकि बीफ किसको बोलते हैं, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, किसके मांस को बोलते हैं, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को। चेवन किसको बोलते हैं, बकरी होती है, बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन, जबकि चिकन मुर्गी के मांस को, किसको बोलते हैं, चिकन मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं, इसके अलावा बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, जबकि बीफ बोलते हैं गाय के मांस को। आगे वाला क्वेश्चन है, मुर्गियों के समूह को क्या कहते हैं, देखिए मुर्गी होती है, मुर्गी के समूह को क्या बोलते हैं वो बताना है, हर्ड फ्लोक झुंड सभी, तो मुर्गियों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, मुर्गियों के समूह को बोलते हैं फ्लोक, किसको बोलते हैं मुर्गियों के समूह क्या बोलते हैं फ्लोक, और किसको बोलते हैं फ्लोक, तो देखिए आपके बकरी हो गई, किसको बकरी हो गई, बकरी भेड़, बकरी भेड़ और मुर्गी होती है, बकरी भेड़ और मुर्गी के समूह को क्या बोलते हैं फ्लोक, आपको ध्यान रखना है भेड़ बकरी और मुर्गी होती है इनके समूह को फ्लोक बोलते हैं, जबकि गाय क्या, गाय और भैंस है, गाय भैंस के समूह को क्या बोलते हैं, गाय और भैंस के समूह को बोलते हैं हर्ड, क्या बोलते हैं, गाय भैंस के समूह को हर्ड बोलते हैं, भेड़ बकरी मुर्गी के समूह को फ्लोक बोलते हैं। आगे होगा दोस्तों आपको समझ में, आगे वाला क्वेश्चन अपना, भेड़ के बदियाकृत नर को कहते हैं, देखिए भेड़ का बदियाकृत नर होता है उसको क्या बोलते हैं, केपन बक वीडर बुलक, तो भेड़ के बदियाकृत नर को क्या बोलते हैं दोस्तों, भेड़ के जो बदियाकृत नर होता है उसको अपन बोलते हैं वीडर, क्या बोलते हैं भेड़ के बदियाकृत नर को वीडर बोलते हैं, इसके अलावा बुलक के इसको बोलते हैं, गाय के बदियाकृत नर को बुलक बोलते हैं, इसके अलावा बक किसको बोलते हैं, जो बकरी होती है, बकरी का जो बदियाकृत नर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बक, और जो मुर्गी होती है मुर्गी के बदियाकृत नर को बोलते हैं केपन, क्या बोलते हैं केपन, आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मुर्गी के बदियाकृत नर को केपन बोलते हैं, बकरी के बदियाकृत नर को बक बोलते हैं, और इसके अलावा जो क्या भेड़ के बदियाकृत नर को वीडर बोलते हैं, और बुलक किसको बोलते हैं, बुलक बोलते हैं गाय के बदियाकृत नर को। आगे वाला क्वेश्चन अपना, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, मुर्गियों के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं, देखिए मुर्गी होती है, मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, काउइंग लैम्बिंग कीडिंग हैचिंग, तो देखिए मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं हैचिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों, हैचिंग बोलते हैं मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को। इसके अलावा लैम्बिंग किसको बोलते हैं, लैम्बिंग बोलते हैं भेड़ होती है, भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं, मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया को हैचिंग बोलते हैं। कीडिंग किसको बोलते हैं, कीडिंग बोलते हैं बकरी होती है, बकरी में बच्चे देने की क्रिया को कीडिंग बोलते हैं, जो बकरी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं कीडिंग। इसके अलावा काउइंग किसको बोलते हैं, गाय के बच्चे देने की क्रिया को काउइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, गाय के बच्चे देने की क्रिया को काउइंग बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना, बकरी की प्रौढ़ मादा को कहते हैं, देखिए जो बकरी होती है बकरी की प्रौढ़ मादा को बताना है, बकरी की प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं, हेन डोई यू गाय, तो देखिए बकरी की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं अपन डोई, क्या बोलते हैं बकरी की प्रौढ़ मादा को डोई बोलते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है कि बकरी की प्रौढ़ मादा को डोई बोलते हैं, जबकि भेड़ होती है भेड़ की प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं दोस्तों, भेड़ की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं यू, जबकि बकरी होती है बकरी की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं डोई, जबकि जो मुर्गी होती है मुर्गी की प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं हेन, क्या बोलते हैं मुर्गी की प्रौढ़ मादा को, मुर्गी की प्रौढ़ मादा को बोलते हैं हेन। आगे वाला क्वेश्चन अपना, मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, देखिए मुर्गियों का गर्भकाल बताना अपन को, 21 दिन 150 दिन 310 दिन 282 दिन, तो देखिए मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, मुर्गियों का गर्भकाल होता है 21 दिन का, कितने दिन का होता है दोस्तों, मुर्गियों का गर्भकाल होता है 21 दिन का। इसके अलावा जो 150 दिन किसका गर्भकाल होता है, 150 दिन का गर्भकाल होता है दोस्तों बकरी हो गई और भेड़, बकरी और भेड़ है इनका गर्भकाल कितना होता है, लगभग 150 दिन का, बकरी और भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है, मुर्गियों का गर्भकाल 21 दिन का होता है। इसके अलावा 310 दिन का गर्भकाल किसका होता है, 310 दिन का होता है दोस्तों भैंस का, आपको ध्यान रखना है भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है, और 282 दिन का गर्भकाल किसका होता है गाय का, 282 दिन का गर्भकाल किसका होता है गाय का, तो आपको पूरे समझ में आ गए होंगे, देखिए मुर्गी का गर्भकाल होता है 21 दिन का, इसके अलावा देखिए जो भेड़ और बकरी होती है उसका गर्भकाल होता है 150 दिन का, भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का, और जो गाय होती है गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन का। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से पशुओं की जवर रोधी औषधि है, देखिए जवर रोधी औषधि बताना आपको, कैफीन कपूर मैक्सेल्फ एस्प्रिन, तो पशुओं की जवर रोधी औषधि कौन सी है दोस्तों, पशुओं की जवर रोधी औषधि है एस्प्रिन, क्या है एस्प्रिन, और कौन सी है कुनेन, आपको ध्यान रखना एस्प्रिन और कुनेन है पशुओं की जवर रोधी औषधि है, कौन सी एस्प्रिन और कुनेन। इसके अलावा कैफीन और कपूर है ये उत्तेजक औषधियां हैं, कौन सी है पशु की उत्तेजक औषधियां हैं, कौन कौन सी कैफीन और कपूर, और मैक्सेल्फ कौन सी है दोस्तों, मैक्सेल्फ रेचक, कौन सी है दोस्तों रेचक या विरेचक, यानी दस्त लगाने के लिए जिस औषधि का यूज करते हैं वो होती है मैक्सेल्फ दोस्तों। अपना कि हे में नमी की मात्रा होती है, तो देखिए सबसे पहले हे क्या होता है, हे होता है दोस्तों जो जैसे कि रिजका हो गया या बरसीम हो गया, इनको अपन क्या है पुष्पन अवस्था पर काट के और फिर सुखा के परिरक्षित करना, यानी दोस्तों सुखाने के बाद परिरक्षित करना वो होता है हे। तो देखिए हे में नमी की मात्रा बतानी है, तो दोस्तों हे में नमी की मात्रा कितनी रखते हैं, 15% 30% 60 से 65 85 से 80, तो दोस्तों हे में नमी की मात्रा होती है 15%, कितनी होती है हे में नमी की मात्रा 15%। इसके अलावा साइलेज होता है, साइलेज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ज्वार हो गया, ज्वार
ज्वार, मक्का हो गया, इनको पुष्पन अवस्था पर काट के और दोस्तों उनको गीले को ही क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। परिरक्षित करने की जो ये विधि होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइलेज। और साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65%। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, 15%। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65%। आगे वाला क्वेश्चन अपना देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। देखिए सबसे अच्छा साइलेज किसका बनाया जाता है, मक्का, बरसीम, रिजका, ढेचा। तो दोस्तों सबसे अच्छा साइलेज है किसका बनाया जाता है, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है मक्का और किसका, ज्वार का। मक्का और ज्वार का है सबसे अच्छा साइलेज बनता है, किसका बनता है, मक्का और ज्वार का। इसके अलावा हे की बात करें तो हे बनता है बरसीम और रिजके का। किसका बनता है, बरसीम और रिजके का सबसे अच्छा हे बनता है, जबकि मक्का और ज्वार का सबसे अच्छा साइलेज बनता है। इसके अलावा ढेचा है दोस्तों, हरी खाद के लिए यूज करते हैं इसको। आगे पशु के सिंह पर पहला छल्ला बनता है। देखिए दोस्तों पशु होता है, पशु के सिंह पर पहला छल्ला कब बनता है, तो देखिए ऑप्शन, 1 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों पशु के सिंह पर पहला छल्ला कब बनता है, पशु के सिंह पर पहला छल्ला बनता है 3 वर्ष की आयु पर। कब दोस्तों, जब पशु 3 वर्ष का हो जाता है तब उसके सिंह पर पहला छल्ला बनता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष क्या होता है, छल्ला बनता जाता है एक एक। यदि अपन को ऐसे पूछ ले कि किसी पशु में छल्लों की संख्या ज्ञात करो, तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूत्र होता है दोस्तों 2+ छल्लों की संख्या। क्या होता है दोस्तों सूत्र, 2+ छल्लों की संख्या, यानी 2 फिर प्लस में जितने छल्ले दे रखे हो वो अपन ऐड कर देंगे तो दोस्तों अपने टोटल छल्लों की संख्या आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता। आगे है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। देखिए विषाणु जनित रोग बताना है इनमें से। देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है, इनमें से विषाणु जनित रोग बताना है। ऑप्शन है खुरपका, मोरेक्स, पशुप्लेग, सभी। तो देखिए विषाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों, खुरपका भी है। खुरपका को दोस्तों FMD बोलते हैं, खुरपका, मुंहपका, मोरेक्स, पशुप्लेग। इसके अलावा एक होता है दोस्तों चेचक। क्या होता है, चेचक। तो आपको ध्यान रखना है 4 रोग है विषाणु या वायरस जनित रोग है, कौन कौन से, खुरपका, मुंहपका, मोरेक्स, चेचक, पशुप्लेग। ये क्या होते हैं दोस्तों, विषाणु या वायरस जनित रोग है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों खुरपका, मुंहपका, या इसको FMD भी बोलते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि किससे होता है। तो देखिए विषाणु या वायरस जनित रोग है खुरपका, मुंहपका, मोरेक्स, चेचक, पशुप्लेग, ये सभी क्या है, विषाणु या वायरस जनित रोग है। आगे वाला क्वेश्चन है देखिए अपना, आगे वाला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल के नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। देखिए बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन बीटल, सानेन, टोगनवर्ग, अल्पाइन। तो दोस्तों बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, तो देखिए सानेन नस्ल होती है। सानेन नस्ल के नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, किसमें, जो बकरी की सानेन नस्ल है जिसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इसके अलावा बीटल होती है, बीटल की केवल नर में दाढ़ी पाई जाती है। बीटल का ओरिजिन पंजाब का गुरुदासपुर जिला है और इसके बीटल में केवल नर में ही दाढ़ी पाई जाती है। टोगनवर्ग राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। देखिए भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, तो देखिए सोनाड़ी, मालपुरी, चोकला, जैसलमेरी। तो दोस्तों चोकला नस्ल है, कौन सी, चोकला नस्ल है, इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं, किसको, चोकला नस्ल को। और इसका ओरिजिन क्या है, सेकावाटी क्षेत्र है। चोकला का ओरिजिन सेकावाटी क्षेत्र है और इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सोनाड़ी है, सोनाड़ी का ओरिजिन उदयपुर है और इसकी मुख्य विशेषता होती है कि चरते समय इसके कान है जमीन को स्पर्श करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भेड़ की कौन सी नस्ल के कान जमीन को स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों कौन सी के करते हैं, सोनाड़ी नस्ल होती है, उसके कान जमीन को स्पर्श करते रहते हैं जो वो चरती है तब। आगे मालपुरी है, मालपुरी का ओरिजिन मालपुरा टोंक है। जैसलमेरी है, जैसलमेरी का ओरिजिन जैसल। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, मुर्रा इनटू सूरती नस्ल के सहयोग से बनी भैंस की नस्ल है। दोस्तों मुर्रा और सूरती नस्ल है, इसके सहयोग से भैंस की कौन सी नस्ल बनी है, तो देखिए टोडा, सूरती, मेहसाणा, जाफराबादी। तो दोस्तों कौन सी नस्ल बनी है मुर्रा और सूरती के सहयोग से, दोस्तों मेहसाणा बनी है। कौन सी बनी है, मेहसाणा। और मेहसाणा का ओरिजिन क्या है दोस्तों, गुजरात का बड़ौदा जिला। कौन सा जिला है दोस्तों, गुजरात का बड़ौदा जिला है मेहसाणा, जो भैंस की नस्ल है इसका ओरिजिन। इसके अलावा सूरती भी भैंस की नस्ल है। सूरती का ओरिजिन क्या है, गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला। कौन सा जिला है, गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला है। और सूरती के जो सींग होते हैं हसिया या दराती आकार के होते हैं। इसके अलावा जाफराबादी है, जाफराबादी का ओरिजिन कहां है दोस्तों, जाफराबादी का ओरिजिन है काठियावाड़ गुजरात। क्या है, काठियावाड़ गुजरात है। और जो जाफराबादी नस्ल है भैंस की, इसको अपन मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। इसका शरीर भारी भरकम होता है, ढीला डाला होता है, तो हाथी की तरह दोस्तों ये थोड़ा लगती है, तो इसलिए इसे अपन मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टोडा है, टोडा का ओरिजिन तमिलनाडु है, मारने वाली नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल है जिसे
राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। देखिए राठी, कोकरेज, मेवाती, थारपारकर, तो दोस्तों कौन सी नस्ल है, दोस्तों गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे अपन राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों कौन सी है, राठी है। कौन सी नस्ल है, राठी है। इसका दोस्तों ये किसके सहयोग से बनी है, ये दोस्तों रेड डेन इंटू गाय की साहिवाल नस्ल है उसके संकरण से बनी है। किससे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, रेड डेन इंटू साहिवाल के संकरण से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों, कौन सी नस्ल बनी है, राठी नस्ल बनी है। कौन सी, रेड डेन इंटू साहिवाल के संकरण से राठी नस्ल बनी है। और दोस्तों कोकरेज की बात करें, कोकरेज का ओरिजिन कच्छ क्षेत्र गुजरात है, प्रयोजनी नस्ल है इसकी, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी दोस्तों, राठी हो गई, कोकरेज हो गई, मेवाती हो गई, थारपारकर, ये क्या है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। कोकरेज है दोस्तों, कोकरेज भी कौन सी नस्ल है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है जो स्वाय चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी दोस्तों, चाल के लिए प्रसिद्ध, कोकरेज। तो दोस्तों ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन, आगे दोस्तों अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप देख लेना, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइए और क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।